ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी घटने वाली घटना का समय है जिस समय तुम अपने शरीर का भान अगर खो दो तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम अपने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में चाहते हो। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान सीखने की बहुत साधकों की इच्छा होती है और बहुत से साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए उठते हैं। इसीलिए हम हर महीने एक या दो बैच लाते हैं जिससे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में हमसे जुड़ सकें और ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ ध्यान कर सकें। वीडियो को सुनते सुनते सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट्स को देखिए, जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, कि साधक किस तरह ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। कोई बिल्कुल ब्लैंक रहता है, किसी के थॉट्स रुक जाते हैं, कोई प्रकाश देखता है, कोई इष्ट के दर्शन करता है, सब अलग अलग स्थितियों में को प्राप्त करते हैं। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक दिन में हो या 30 दिन में हो, लेकिन एक लंबे अभ्यास के बाद ये ज़रूर होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ न कुछ ना मिले, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा इस ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में। तो ये बैच हम शुरू कर रहे हैं 23 अगस्त 2024। बैच शुक्रवार के दिन से शुरू होगा, 21 दिन का ये पेड बैच है। इस बैच में आप सीखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में बैठक किस तरह लगाएं, किस तरह ध्यान में बैठें, किस तरीके से ध्यान करें, आपके शरीर की पोजीशन, आपके पैरों की पोजीशन, आपकी गर्दन की पोजीशन और आपकी ध्यान संबंधी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, देने के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। और आप चैट के माध्यम से या जो भी माध्यम आपको दिया जाएगा आप उससे बात करते हैं, क्योंकि साधकों की बहुत समस्या रहती है कि वो अपनी क्वेरीज किससे पूछें, और ऐसे हजारों मैसेजेस हमें रोज आते हैं तो मैं उपलब्ध नहीं हो पाता हूं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त साधकों के लिए मैं उपलब्ध हूं। आप मुझसे चैट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा चक्रों पे क्या प्रयास करना चाहिए, मन शांति की विशेष क्रिया कैसे की जाती है, शांति अभ्यास कैसे किया जाता है, योग आसन कैसे करें, पद्मासन कैसे लगाएं, सिद्धासन कैसे लगाएं, इसके लिए हमने विशेष हम योग के सेशंस आपको देंगे, नाइट में ध्यान किस तरह करें, रात्रि का ध्यान कैसा किया जाए, किस तरीके से नाइट में ध्यान करें, हम वो भी आपको बताएंगे। और ऐसा बहुत कुछ है जो आपको इस 21 दिन में सीखने को मिलेगा, जो आप सीख के अगर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ये टीम नंबर देखती है, नंबर मेरे पास नहीं रहता है, टीम के पास रहता है। तो जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपको जब भी टीम फ्री होगी रिप्लाई करेंगी, आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको पूरा ड्राफ्ट भेज दिया जाएगा। तो मेरा सभी से अपील है कि जो भी साधक इसमें जुड़ना चाहे जुड़े और ब्रह्म मुहूर्त को प्राप्त करें। समय बार बार नहीं आता है, एक बार चला हुआ समय दोबारा निकलता नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त को प्राप्त करिए, ब्रह्म मुहूर्त को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान को घटित होने के लिए एक उचित वातावरण का निर्माण कीजिए, एक ऐसी स्थिति का निर्माण कीजिए कि जिस स्थिति में आप अच्छे ध्यान को प्राप्त कर सकें। यकीन मानिए, मेरी वीडियो अब तक पहुंचा है तो ज़रूर आप ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए बने, एक बार प्रयास करके देखिए, आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान को प्राप्त हो पाएंगे।